नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है देश और दुनिया के कुछ खास खबरों का। मंगलवार को एक डंपर की टक्कर में हुई ट्रैफिक ऑफिसर की मौत के मामले में आरोपी ड्राइवर को बुधवार को अरेस्ट कर लिया गया है। घटना गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर हुई थी। सड़क पर जा रहे ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पांडुरंग मारुति सपकाल को पीछे से आ रहे डंपर ने कुचल दिया था। इसमें वे पूरी तरह से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त स्कूटी पर पांडुरंग के साथ ट्रैफिक वार्डन दिनेश पितले भी थे। दोनों गोरेगांव की ओर जा रहे थे। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां सपकाल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पितले को गंभीर चोट आई है। मारुति पांडुरंग एक साल पहले कार दिवाली 4 को पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस रक्षक के सहायक राइटर के पद पर कार्य थे। उनका तबादला दिंडोशी ट्रैफिक विभाग में कुछ महीने पहले ही हुआ था। वानाराय पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी कैमरा फुटेज को स्कैन किया। डंपर ट्रक के मालिक को ट्रैक किया गया और चालक मनन कुमार चौहान को पकड़ लिया गया। चौहान पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो यदि मैं आज की खास खबर इसी तरह के देश और दुनिया की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।